दोस्तों हम लोग तो काफ़ी खुश हैं, बस थोड़ी सी दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारा जो जाल है नया जाल। नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण साथ में धनजीत गाजीडी गांव से आप सबका हमारे YouTube चैनल RKG में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं रात के अंधेरे में हम लोग एक नदी के किनारे पहुँच चुके हैं। दरअसल ये जो जाल हमने हल्दीपोखर हाट से बाज़ार से ख़रीद करके लाया था उसका आज टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पता नहीं ये जाल मछली पकड़ने में सक्षम है भी या नहीं, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ साथ हमें भी पता चल जाएगा। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस जाल को जल्दी से पानी के अंदर सेट करते हैं। आप लोग देखते रहिए दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा। इस जाल के जरिए कितना मछली हम लोग पकड़ पाते हैं सारा कुछ वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हमारे साथ। उम्मीद है दोस्तों हम लोग इस जाल के जरिए कुछ मछली जरूर पकड़ लेंगे। सिपर जीवे नहीं दिखे जीवे पानी अच्छी तक भिजवे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाने के खातिर हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। धनजीत पानी के अंदर घुस गया है। पानी वैसे ही अच्छे ले दिए जा, ले दिए जा, धरे धरे जाना ठीक जा। आराम से धरे धरे जाना, देखी को दे देवा এইটুন দেখাও কাল যা র র র ঠিক ছাড়ে দে ছাড়। তো চলিয়ে দোস্তো ইস জায়গা পে আপ লোগ ইস জাল কো ছোড় কে জাতে হ্যাঁ, আধা ঘন্টা এক ঘন্টা বাদ আকর দেখতে হ্যাঁ আগর मछली कुछ फंसती है तो ठीक है, वरना यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे जगह को। वीडियो में बने रहिए, पता चल जाएगा आप लोगों को भी कितना मछली हम लोग पकड़ पाते हैं। लगभग एक से डेढ़ घंटा बीत चुका है जो हमने यहाँ पे हल्दी पोखर से जाल ला करके सेट किया था, उसे उठाने का समय आ गया है। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर वेट करेंगे तो केकड़ा जो है जाल का धज्जी उड़ा कर रख देगा। तो चलिए हमारे साथ उठा कर देखते हैं कितनी मछली इसमें फंसी हुई है। उम्मीद है दोस्तों हम लोग इस जाल के जरिए कुछ ज़्यादा ही मछली पकड़ लेंगे। की लागू थी रंजित माछ लागे थे वो हमें। आइए दोस्तों गोपाल आए पिछू पिछू आए, आइए हमारे पिछुन पिछुन आए, एक बार पत्थर मार देंगे थोड़ा इधर उधर, इससे जो मछली अगल बगल होंगी। वाओ मछली तो दिखाई दे रही है दोस्तों, देख सकते हैं जाल में काफ़ी सारी मछली फंसी हुई है। हमारा जो नया गिल नेट है मछली पकड़ने में मछली फंसाने में सक्षम है दोस्तों। अगर आप लोग भी चाहते हैं, ये जाल मैंने जैसे बताया हल्दी पोखर हाट से बाज़ार से मैं ख़रीद करके लाया था, आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। ये देखिए समझे थे दिखाए ना थे दिखाए लाइट तब देखा ठीक, देख सकते हैं दोस्तों मछली आपको दिखाई दे रही होगी। वाह रंजीत मजा आसी कलर वो आह, अरे वाह केकड़ा भी फाड़ दिया है जाल का तो सर्वनाश हो गया है दोस्तों। ये देखो केकड़ा, केकड़ा भी लगा हुआ है ओ जाल का सर्वनाश हो गया है। केकड़ा पकड़ना रंजीत तैयार रहना है, केकड़ा को छोड़ेंगे नहीं। अरे
भींग जाएंगे यार यहाँ पे। तो रंजीत तुम्हारा पैर हाफ पैंट है, तुम देखो घुस के देखो, केकड़ा को पकड़ो, धोरी पार पे ना कामड़ा ही नहीं हुआ पड़ेला, भाग गया दोस्तों केकड़ा भाग गया। चलो जाल को खींचो इधर थोड़ा थोड़ा करके, मैं नहीं घुसूंगा, तुम देखते रहना। खींचो इधर जाल को खींचो, अरे बहुत पत्थर अच्छी एरिए टाँग टाँग, आगे आओ आगे आओ, कैमरा वाला थोड़ा आगे से दिखाओ, आराम से पड़बो नहीं तो माछ धर के कोचिंग धरबो। पास कैसे हो, ठीक है पास के आसी पर वाले पास में देखो, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी मछली यहाँ पे फंसी हुई है। आप बता सकते हैं कौन सी मछलियाँ हैं, ये सब कौन कौन सी मछली है इसके अंदर मतलब फंसी हुई है जाल में, ज़्यादातर पोठी मछली दिखाई दे रही है। अरे यार यहाँ तो भीगने वाला समस्या हो जा रहा है, खींचने से आएगा, तुम उस पर चल जाओ धंजे, तू उधर चल जाओ, उठा के देखो कहीं पे फंसा हुआ है, गहरा पानी है दोस्तों इसलिए घुसना इम्पॉसिबल है, कोई पत्थर में फंस गया है जाल। उठा कैंडे फांसी आराम टाँग सामान छिणी जीव छिणी जीव, ओहो बहिरा लगी तूड़ का रो के फांसल आ जाए कुछ ही ना खीरकुंडा बोला कैने रो जाल तो नहीं छिना जाओ। अफसोस की बात है दोस्तों हमारा जो जाल है गहरा पानी में फंस चुका है, हम लोग कैसे उठाएंगे, लास्ट में हम लोगों को भीगना पड़ेगा। रंजीत कैमन स्थिति देखना कोशिश कर, गमछा पहन के घुसो नहीं तो गमछा जान बे जा, गमछा पूरी को भितरी ले हला रखी ना कि अच्छी बात यह है दोस्तों केकड़ा इस जाल को ज़्यादा नहीं काटा है, बस एक दो जगह काटा है। मुझे तो लग रहा था कि एक डेढ़ घंटा में जाल का धज्जी उड़ा देगा केकड़ा, क्योंकि यहाँ इस नदी में केकड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों लास्टली धनजीत को गमछा पहन के पानी के अंदर घुसना ही पड़ा, इस कदर फंस चुका है जाल चट्टान के अंदर पत्थर में। अरे वाह कौन सी मछली है वो, कोई इलफिश है क्या, लंबी मछली दिखाई दे रही है दो, अच्छा मुंह में टॉर्च है, बोल नहीं पा रहा, बोलना मत टॉर्च गिर जाएगा, खुला जाल नहीं, अरे वाह बॉडी दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा जाल इस कदर फंस चुका है कि धनजीत को पूरी तरह से घुस जाना पड़ेगा। वाह
अरे कौन सी मछली है यार, बड़ी है, फटा नहीं है ना जाल, देख सकते हैं दोस्तों। अरे फाड़ चुका है, केकड़ा फाड़ दिया है उधर का क्षेत्र को। दोस्तों हम लोग तो काफ़ी खुश हैं, बस थोड़ी सी दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारा जो जाल है नया नया जाल केकड़ा फाड़ दिया। कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखिए यहाँ पे फट चुका है, केकड़ा काट दिया है। और ये कौन सी मछली है, एल फिश है एक प्रकार की, जिसे स्पाइनी एल कहा जाता है। अरे छूट रही है मछली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया, जाने दो। चलिए दोस्तों मछलियाँ यहाँ से निकल निकल के छूट करके गिर रही हैं नीचे, तो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। काफ़ी खुश हैं हम लोग, देख सकते हैं बहुत सारी मछली हमने इस जाल के मदद से पकड़ लिया। ये जाल काफ़ी कारगर सिद्ध होता है मछली पकड़ने में। आप लोग भी चाहें तो ज़रूर इस जाल को खरीद सकते हैं। धनजीत जल्दी से कपड़ा चेंज कर लो यार, सूखा वाला कपड़ा पहन लो, तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए ध्यान रखो अपने तबीयत का भी, जल्दी पहन के आओ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। अगर हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस जाल के लिए भी अगर आप ये जाल ख़रीदना चाहते हैं तो इस जाल को ज़रूर ख़रीद लीजिए। आप देख सकते हैं एक आध घंटा के अंदर ही, एक से डेढ़ घंटा के अंदर ही कितनी सारी मछली इसके अंदर फंसी हुई है। अगर सही जगह पे हम लोग लगाते तो शायद इससे भी ज़्यादा मछली इस जाल के अंदर फंस सकती थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, इन मछलियों को लेकर के घर चलते हैं, घर में ही जा कर के खोलेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।